नमस्कार, नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आप दर्शकों के डिमांड को देखते हुए आज से हम अपने सेट में प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहे हैं। आज से प्रश्नों की संख्या 15 रहेगी। आज से इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। ये सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और भूगोल से रहेंगे। तो आइए देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। सवाल नंबर 1, बिहार के कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? ए 60%, बी 70%, सी 80%, डी 90%। इसका सही जवाब है सी 80%। सवाल नंबर 2, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? ए जमुई, बी लखीसराय, सी शिवहर, डी पूर्णिया। इसका सही जवाब है डी पूर्णिया। सवाल नंबर 3, बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? ए कागज उद्योग, बी चीनी उद्योग, सी लकड़ी उद्योग, डी वस्त्र उद्योग। इसका सही जवाब है बी चीनी उद्योग। सवाल नंबर 4, आजाद हिंद फौज की स्थापना सबसे पहले कहां की गई थी? ए भारत, बी जापान, सी सिंगापुर, डी बर्मा। इसका सही जवाब है सी सिंगापुर। सवाल नंबर 5, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए शाह आलम, बी मोहम्मद शाह, सी बहादुर शाह, डी जहादार शाह। इसका सही जवाब है बी मोहम्मद शाह। सवाल नंबर 6, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडू, डी नीला। इसका सही जवाब है ए लाल। सवाल नंबर 7, जब हम बकरी या भेड़ खाते हैं तो हम किस उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी तृतीयक उपभोक्ता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी द्वितीयक उपभोक्ता। सवाल नंबर 8, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता कहलाता है? ए ए, बी ए बी, सी ओ, डी बी। इसका सही जवाब है सी ओ। सवाल नंबर 9, हाल ही में इनमें से किस देश ने पहली बार आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप का खिताब जीता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड, डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब है ए ऑस्ट्रेलिया। सवाल नंबर 10, हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किनके नाम पर रखा गया है? ए अरुण जेटली, बी सुषमा स्वराज, सी मनोहर पर्रिकर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी मनोहर पर्रिकर। सवाल नंबर 11, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट, डी कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है डी कोई भी नहीं। सवाल नंबर 12, लोकसभा का नेता कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए प्रधानमंत्री। सवाल नंबर 13, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ए भारत की राष्ट्रीय भाषा से, बी संघ सूची से, सी दल बदल विरोधी कानून से, डी पंचायती राज व्यवस्था से। इसका सही जवाब है सी दल बदल विरोधी कानून से। सवाल नंबर 14, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया? ए जनवरी 1994 में, बी जनवरी 1995 में, सी जनवरी 1996 में, डी जनवरी 1997 में। इसका सही जवाब है बी जनवरी 1995 में। सवाल नंबर 15, दुनिया का सबसे ज्यादा लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी इंडीज, सी रॉकीज, डी आल्प्स। इसका सही जवाब है बी इंडीज। पिछले सेट में हमारे जिन दर्शकों ने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए उनके नाम है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के जवाब दे सके हैं आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सबसे ज्यादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।